तो और मेरे भाई और उनकी बहनों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मांगा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड में लेने एक कस्टमर को लेके आया होता है, और वो जो कस्टमर है वो पेंसिना होटल के जाने के लिए बोल रही होती है और कह रही होती है चलो तुम होटल लेके चलो। खैर हमें दिखाया जाता है जो ये लड़की है ये इसे ना होटल के साइड में लेके जाती है और कह रही थी ये इस साइड में लगा दो, यहीं पर ही पार्क कर दो। हाँ अब हमें दिखाया जाता है ये गाड़ी से उतरती है। अब जो लेन है ना वो सोचने लगता है कि काश ये कुछ गलत काम ना करे, क्योंकि नहीं तो ये फिर सामने वाले गेट से जाती, लेकिन ये साइड वाले गेट से क्यों जा रही है। खैर हम देखते हैं इसके पास एक रिव्यू मिलता है, मतलब एक स्टार का रिव्यू मिलता है। वो सोच रहा था कि ये महिला बहुत ही बेकार है, सच में इसे एक स्टार दिया मात्र मेरे को। अब वो सोचने लगता है कि खैर छोड़ो भूल जाना चाहिए मेरे को इसे, चलो मैं इस लाइन के पास चलते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो टाइम्स स्क्वायर पार्किंग गैराज में आ चुका होता है, वहाँ पे जहाँ पे मिस लैन इसका वेट कर रही होती है। और ये मिस लैन के पास जाके कह रहा था कि आपने ना अभी तक मुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं दिया। अब वो कह रही होती है कि देखो ये आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर तुम आज कैसे परफॉर्म करने वाले हो। खैर वो कहने लगता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि तुमने मेरे को अपना बैग कैरी करने के लिए बुलाया है ना। अब वो ऐसा बोलने लगता है। खैर हम देखते हैं मिस लैन कह रही थी वाह देखो वहाँ पे स्विमिंग सूट है, चलो वहाँ पे स्विमिंग सूट पहनते हैं। अब हम देखते हैं मतलब खरीदते हैं। अब लेन कह रहा होता है कि तुम्हें याद है ना अपना प्रॉमिस। अब वो कह रही होती है कि हाँ मुझे पता, तुम हमेशा मुझे प्रॉमिस के जाल में फंसा देते हो, मुझे नहीं पता था कि पवेलियन तुम्हारा, नहीं तो मैं कभी कहती नहीं। अब लिन कह रहा होता है कि देखो मैंने कभी तुम्हें फोर्स ही नहीं किया प्रॉमिस के लिए, तुमने तो अपने आप ही अपने दिल से किया था। खैर हम देखते हैं एक लेडीज़ बोल रही होती है सर मैडम मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। अब वो ऐसा पूछती है। खैर हम देखते हैं वो जो मिस लेन होती है ना, वो लैन जो होती है वो अपने बैग नीचे रखती है और बस देखने लगती है उसे। अब लिन कुछ समझ नहीं पाता, वो कह रही थी चलो यार यहाँ से शॉपिंग नहीं करते कहीं और चलते हैं। अब ऐसा लैन कह रही होती है। अब लिन कह रहा था क्यों खरीदना क्यों नहीं है। अब वो कह रही होती है कि नहीं तुम खरीदना तुम्हें खरीद लो। बट हम देखते हैं लेन कह रहा होता है कि अरे खरीदो ना यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे स्टाइल्स के हैं। अब वो कह रही थी पागल बात स्टाइल की नहीं है, बात है साइज़ की, यहाँ पे मेरे साइज़ का अवेलेबल ही नहीं है। मतलब भाई तुम लोग समझ रहे हो ना। खैर वो कहने लगती है अरे मैडम यहाँ पे देखो बहुत सारे स्विमिंग कप है ABCD, आपको कौन सी रेंज की चाहिए। अब वो कह रहा है कि मिस लैन तुम्हारा तो ई कप है ना। अब वो उसके उस कप की तरफ देख रहा है। खैर वो शर्मा जाती है और कह रही होती है देखो मैं आज तुम्हें जान से मार दूंगी। अब लेन कहने लगता है चलो कोई बात नहीं दूसरी दुकान पे चलते हैं वहाँ पे जरूर मिल जाएगा। अब वो ऐसा कह रहता है दूसरी दुकान को देख के। खैर हम देखते हैं दूसरी दुकान की साइड में आ जाते हैं और वहाँ पे बस एक स्विमिंग सूट को देख के मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो कह रहे होते हैं वाह ये देखो ये तो क्या ही अमेजिंग है, अभी एक ड्रेस को देख के मतलब हैरान हो चुके हैं। खैर वो कह रहे होते हैं देखो अरे नहीं ये तो स्विमिंग सूट है ही नहीं। खैर हम देखते हैं वो दुकान के अंदर आते हैं और वो एक लेडीज से कह रही होती है कि शॉपकीपर ये बताओ स्विमिंग सूट कहाँ पर है। अब हमें दिखाया जाता है वो जो शॉपकीपर होती है वो दिखाती है कह रही होती है कि मिस देखो यहाँ पे सारी बिगनीज है आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हमें दिखाया जाता है मिस लैन कुछ एक सूट को देख के मतलब वो भी एक्साइटेड हो जाती है और कह रही है मिस लेन देखो तुम क्या सोचते हो इस बारे में, ये अच्छा लग रहा है ना। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। अब वो कह रही होती है एडवांटेज किस टाइप का एडवांटेज। अब वो एक सूट की तरफ मतलब इशारा करता है और दिखाता है, कह रहा था देखो मुझे लगता है ना ये सूट तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। अब भाई साहब ये ब्लैक कलर के सूट है और क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में। खैर वो शर्मा जाती है और कह रही थी तुम ना बहुत शरारती हो। अब वो ऐसा कह रहा है क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है इसका ई कप लगता है इसीलिए। खैर वो कह रही होती है कि चलो इसे रैप अप कर दो। अब हमें दिखाया था लिन कह रहा था मैम इसे भी आप ले लो मतलब इसे भी रैप अप कर दो। अब वो कह रही होती है लेकिन तुम्हें तो इसे ये वाला पसंद ही नहीं आया था। अब वो कहने लगता है देखो जो तुम्हें पसंद आया वो मुझे भी पसंद आया, मतलब सच्चा प्रेम। खैर हम देखते हैं वो कह रही थी चलो 4th फ्लोर पर चलते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे ड्रेसेस होंगे। अब वो कहने लगता है ठीक है ठीक है। अब हमें दिखाया था ये लोग 4th फ्लोर पे आ जा चुके होते हैं, वहाँ पे ये एक ड्रेस की तरफ देख के एक्साइटेड हो जाती है, कह रही थी वाह ये वाली आउटफिट तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अब वो कहने लगती है हाँ तुम जरूर ट्राई करना तुम्हारी अच्छी आँखें हैं। खैर लेन यहाँ पे बेचारा बैठ के मतलब ऐसे ही बैठा होता है और मिस लैन जो है कह रही होती है लेन इधर आना ज़रा। अब वो कह रहा होता है कि यार मेरा आना जरूरी थोड़ी ना है, क्या ये सही होगा मैं भी आऊँ। अब वो कह रही होती है क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो, अरे एक मिनट इधर तो आओ मेरे को तुम्हारे वो जिप लगवानी है मेरे हाथ नहीं पहुँच पा रहा। खैर हम देखते हैं ये जिप लगवाने के लिए कह रहा होता है मतलब उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और कह रहा है कि क्या तुमने कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रही। अब वो ऐसा उसे कहने लगता है। खैर वो कहने लगती है अरे वहाँ पर एक सॉवल भी है तो इससे ये कवर हो जाएगा। खैर हमें सॉवल के बारे में दिखाया जाता है जो कि छोटा सा पड़ा हुआ है। खैर हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि मिस जिन देखो तुम्हारा तो ई कप लगता है लेकिन मेरे को तो ये ऐप जैसा क्यों लग रहा है। खैर वो कहने लगती है तुम ऐसे मत देखो मैंने अंडरवियर नहीं पहनने क्योंकि ये ई कप में आ ही नहीं रहता, मतलब ये क्या ही बोलूँ मैं। खैर फटाफट ये लाइनअप करते हैं और हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी देखो अच्छा लग रहा है ना। अब वो कह रहा था कि ये अच्छा नहीं ये तो ब्यूटीफुल लग रहा है, हाँ हाँ बंदा है ना तो उसका जब तो तारीफ करेगा। खैर वो कह रही होती है अच्छा लगा तुमने इसे ब्यूटीफुल कहा तो मैं इसी को लूँगी।
खैर जो शॉपकीपर होता है वो और बोल देता है कि मैडम आज की जो रात है ना वो आपके लिए बनी है, मतलब सच में देखो आप कितनी प्यारी लग रही है। खैर हम देखते हैं एक कस्टमर आया होता है, उसकी जो वाइफ होती है वो कह रही थी मिस जैंग देखो ये कितनी ब्राइट लग रही है, मुझे भी यही चाहिए मुझे भी यही चाहिए। अब वो जिद करने लगती है अपनी हस्बैंड से। अब उसका हस्बैंड शॉपकीपर से कहता है मेरे लिए मेरे को भी यही सेम स्टाइल में सूट दे दो। अब वो कह रही मना करती है, कह रही थी हमारे पास यही एक कस्टम वाला मॉडल है, आप कुछ और स्टाइल देख लो मतलब दूसरा स्टाइल देख लो। फिर वो कहने लगता है चलो ठीक है फिर छीन लो इनसे, और मुझे नहीं लगता कि ये लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। अब वो ऐसा उनकी तरफ इशारे की तरफ करते हुए कह रहा होता है। खैर मिस लैन कह रही होती है आखिर किसने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसकी लेडीज़ बोल रही होती है कि देखो पता भी है तुम्हें इसकी कॉस्ट कितनी है, 20,000 UN की है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे अफोर्ड कर सकती हो। अब वो बोलने लगती है कि इतना छोटा अमाउंट तो मैं खुद ही अपने हिसाब से अफोर्ड कर सकती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, और वैसे भी तुम इसे अपने मुंह पे मत ले लेना। अब वो कह रही होती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं गरीब हूँ। अब हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है कि शॉपकीपर देखो मैं इसमें 20,000 रुपये और ऐड करता हूँ तो तुम इसी ड्रेस को मेरे को दे दो। अब वो मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा रूल है। अब वो कह रहा है रूल रूल मेरे रूल होते हैं। इतने मिस लेना आ जाता है और कह रहा है ठीक है फिर मैं 2 लाख का लूँगा। अब हमें दिखाया जाता है वो कह रहा है कि देखो मुझे नहीं लगता इस ड्रेस में तुम्हारी जो बेगम है उसे अच्छा भी लगेगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। अब वो कह रही होती है सर देखो अगर आपको सच में पसंद आ गया तो आप हमारे यहाँ पे रिजर्व करवा सकते हो। अब वो मना करते हुए कह रहा था कि चलो ठीक है मेरे को ख़रीदना ही नहीं है। अब वो जाने लगता है। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो मिस लैन कह रही होती है तुमने आज मेरे लिए खड़े हुए मतलब मेरे लिए स्टैंड लिया तो आज मैं तुम्हें वो दिखा दूंगी जो तुम देखना चाहते हो। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं भी पोलाइट रहूँगा। खैर हमें दिखाया जाता है ये 2 सूट को दिखा के कह रही होती है कि देखो तुम इस 2 सूट को ट्राई करो। अब हमें दिखाया जाता है मिस लैन इस 2 सूट को ट्राई करता है और कह रहा था कि वाह अच्छा लग रहा है। खैर पीछे जो शॉपकीपर्स होती है ना वो कह रही होती है वाह ये कितना हैंडसम है। खैर मिस लैन जो है वो कह रही होती है देखो मुझे लगता है ना ये जो लड़कियां हैं ये तुम्हारे प्यार में गिरती जा रही हैं। खैर वो कहने लगता है चलो ठीक है तुम कार्ड स्वाइप करो और मुझे जल्दी जल्दी दिखाओ जो दिखाना है घर पे चल के। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ये दोनों अपने अपने विला में आ चुके हैं मतलब जो विला है और वहाँ पे नंगा पोंगा हो चुका है मतलब मज़े ले रहा है। खैर 4 दिन की चांदनी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो देखता है और हैरान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है वो कह रहा होता है मेरी नाक से खून बह रहा है मतलब इसे देख के इसकी नाक से खून आने लगा क्या ही बोलूँ मैं। खैर हमें दिखाया जाता है वो कह रही होती है कि यार इस लड़की की बॉडी भी बहुत ज़्यादा सेक्सी ऐसी बात नहीं है। फिलहाल वो हंसते हुए कह रहा है ये अच्छा अच्छी बात नहीं है आज जो अच्छा लग रहा है ना वो आज तुम हो तो तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो। अब वो ऐसा बता रहा है ऐसे छेड़ते हुए कह रहा है। अब वो कह रही अपनी मतलब शरमाते हुए कह रही थी कौन कह रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ मैं तो नहीं देख रही। अब वो कह रही होती है चलो देखो जब मैंने प्रॉमिस किया था ना वो मैंने अपना प्रॉमिस निभाया मैं बिगनी में आ गई हूँ। अब हमें दिखाया था वो कह रहा था कि हाँ मेरे को वैसे भी वो पीपल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो अपने प्रॉमिस पे रहते हैं। खैर चलो साथ में एंजॉय करते हैं। अब हमें दिखाया था ये दोनों मतलब पानी के अंदर आ चुके हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं। खैर मिस लैन कह रही होती है मेरे को जाने मत देना मेरे को स्विमिंग नहीं आती और इसने और ये कह रहा होता है कि कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊं। अब वो बोलने लगता है कि चलो तुम सांस लो छोड़ो ऐसे करो फ्री स्टाइल में। अब वो कह रही होती है कि देखो मेरे को हो नहीं पाएगा बट ठीक है। अब हमें दिखाया था वो कह रहा होता है कि देखो तुम सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ मतलब आराम से खड़े हो जाओ बस डोंट वरी। और वो कहने लगता है कि देखो तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। खैर मिस लैन कह रही होती है तुम क्या कह रहे हो मुझे खुद पे भरोसा नहीं है तुम्हारे पे क्या ही भरोसा होगा। अब हमें दिखाया था वो कह रहा होता है कि देखो तुम ऐसे धीरे धीरे करो। अब वो कहने लगती है वाओ मैं सच में फ्लोट करने लगी मतलब मैं तैरने लगी वाओ अमेजिंग। अब ऐसे ऐसे करते करते ना भाई ये डूबने लगती है। अब इसकी चीखें निकलनी है या फिर ये डूब रही है। खैर हम देखते हैं वो मिस लैन देखता है इसे कह रहा था अरे नहीं ये तो डूब गई। खैर वो इसके पीछे भागने लगता है मतलब छोटी सी स्विमिंग है और इतना बड़ा दिखाया गया है खैर कोई बात नहीं। अब हमें दिखाया जाता है ये डूब रही होती है और ये जो मिस लैन है वो उसे पकड़ रहा होता है। अब जैसे तैसे करके इसने पकड़ लिया और साथ में से चूम भी लिया। अबे भाई पकड़ने के लिए कहा था चूमने के लिए नहीं कहा था। खैर अभी भी इसने किस कर रखा भाई छोड़ दे यार अब तो छोड़ दे। फिलहाल हमें दिखाया जाता है वो उसे किस कर लेता है और कह रहा है कि क्या तुम डर गई थी। अब वो कह रही होती है कि डर मैं तुम्हारे साथ तो मतलब मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मैं डरी कब। अब वो ऐसा बोलने लगती है फ्लर्टिंग लाइन। खैर वो कह रहा है कि यान देखो मुझे लगता है कि वो कह रही होती क्या लगता है तुम्हें। अब भाई ये तो अलग ही रोमांस में लगे पड़े हैं। खैर बच्चों के लिए ये सीन नहीं है बच्चे अपनी आंखें बंद कर ले नहीं तो भाई बिगड़ जाओगे तो मेरे से मत कहना कि मुझे बिगाड़ दिया। खैर सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाया था विला विला के अंदर का माहौल और उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट। खैर वो कह रहा था कि मिस लैन क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। वो कह रही होती है कि हाँ तुम यूज़ कर सकते हो पासवर्ड है 950824। अब वो ऐसा बोल देती है और नहारी होती है। खैर वो
अपना मतलब उसके फ़ोन में पता नहीं क्या देख रहा होगा, कुछ देख रहा होगा, अचानक हमें दिखाया था सिस्टम का मैसेज आता है और कह रहा था कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ, 1000 UN वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है। अब हमें दिखाया था वो कह रही थी 75% कंप्लीट करने के बाद तुम्हें ना वैंग सैंग पियर मिल चुका है। अब वो कह रहा था क्या क्या मैंने सही नहीं सुना, क्या 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 कहा तुमने, सेकंड लार्जेस्ट जो वो शिप टर्मिनल है चाइना का, क्या वो मेरा हो गया। अब हमें दिखाया था वो कह रही होती सिस्टम कि हाँ मास्टर तुमने सही नहीं सुना, अच्छा हाँ ये वैंग जैंग पियर ही है, तुमने 75% मिशन कंप्लीट कर लिया इस वजह से तुम्हें ये रिवॉर्ड मिला है। और हमें दिखाया था वो कह रही थी कि बस कुछ ही समय बाकी है तुम्हारा नेक्स्ट कैरियर ओपन होने में। अब वो मन में सोचता है कि वाओ मज़ा आएगा, अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि देखो तुम्हारी वजह से ना मैंने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ और जरूर सीख गई। खैर वो कह रही थी मेरे को अभी तक नहीं पता चला कि स्विमिंग कैसे करते हैं। अब वो ऐसा लिन से कह रही होती है। अब लिन कह रहा था कि देखो ये प्लेस तुम्हारे लिए फ्री है, ओपन है, जब मन चाहा तब आ जाना, मैं तुम्हें बाद में भी सिखा दूंगी। अब वो उसे छेड़ती हुई कह रही थी तुम बहुत बदतमीज हो। खैर वो कह रहा था कि देखो जो ये पिलो है ना ये मैं लेके आया था और फेंक से, और मैं इसे फेंकना नहीं चाहता। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। खैर वो जो मिस लैन है वो कह रही थी क्या तुम और फेंग हो। अब वो ऐसा उससे पूछ रहा है मुझे नहीं पता और फेंग क्या होता है। खैर वो कह रहा था कि हाँ मेरी मम्मी ने मेरे को जब मैं छोटा था तब उन्होंने मेरे को और फेंग भेज दिया और वहाँ से मैं मतलब ये अपनी स्टोरी बताता छोटी मोटी। वो कह रही थी वाओ सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी सैड स्टोरी सुन के। अब वो कह रहा था क्या सॉरी किस लिए, मेरी स्टोरी सैड नहीं है। अब वो बोल रहा होता है कि जब मैं यंग था ना तब मैं बहुत मतलब मेरी मम्मी वैंग मम्मी ने ही पाला है, मतलब इसकी दूसरी मम्मी थी। खैर वो कह रहा था कि उन्होंने मेरी केयर करी है और मेरे बचपन में बहुत सारे दोस्त थे। वो कह रही थी वाह तुम्हारा बचपन अच्छा बीता है। खैर वो कह रही थी देखो मैं बेड में मतलब मैं सोने जा रही हूँ, तुम मुझे सुबह उठा देना और याद रहे कल ना कि दादाजी का बर्थडे है तो तुम्हें ज़रूर मेरे को लेने आना पड़ेगा, ठीक है, और तुम अपना काम कंप्लीट कर लेना। वो कह रहा था हाँ ठीक है ठीक है। अब वो कह रहा था कि ठीक है मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हारे साथ काम करने में, हर दिन तुम्हें काम पे छोड़ने में मतलब मेरे मिशन भी कंप्लीट होते हैं साथ के साथ। अब वो ऐसा बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता आधी रात हो चुकी है जहाँ पे वो अपने फ़ोन में लगा पड़ा है, लगा नहीं मतलब उसके पास फ़ोन में कॉल आ रखी होती है। अब वो फ़ोन किसकी है खैर हमें बाद में पता चलेगा। खैर वो कह रहा था क्या मम्मी, अच्छा उसकी मम्मी की फ़ोन है। अब वो कह रही होती है कि मम्मी तुम मेरे से मिलना चाहती हो। अब वो बोल रही होती है कि हाँ। अब वो बोल रहा होता है कि देखो मम्मी मैं बड़ा हो गया, मेरी ये हो गई वो हो गई, मतलब बता रहा होता है कि मैं जवान हो चुका हूँ। खैर इसकी मम्मी कह रही थी बेटा तू अभी भी बच्चा है मेरे लिए। अब मतलब वो उसकी मम्मी ऐसा बोल रही है। खैर वो कह रही होती है कि देखो मेरी बेटी मतलब मेरा एक दोस्त है उसकी बेटी है वो भी तुम्हारी उम्र की है तो तुम कल उससे मिल लेना। अब वो कह रहा होता है कि यार क्या भला है ये। खैर वो कहने लगता है कि ठीक है मैं कल फ्री हूँ तो मैं कल मिल लूँगा। अब उसकी मम्मी कह रही थी ठीक है फिर 9 बजे की मीटिंग है तुम एक बार मिल लेना उनसे, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ ठीक है, याद रहे इनसे ज़रूर मिल लेना। अब वो कहता है कि ये लियू ल्यूसी सच में बहुत ज़्यादा चिपकू है। खैर वो कह रहा है बहुत बेकार है। अगले दिन हो चुका होता है। अब वो अपने होटल में होता है तभी लेने एक लेडीज से पूछ रहा होता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ, उसका नाम वैन हुई से है, क्या उन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा है। अब वो कह रही थी हाँ उन्होंने करवा रखा है, उन्होंने मुझे बताया था कि आपको उस 3rd फ्लोर पे भेजना है, आप 3rd फ्लोर पे जा सकते हो। अब हमें दिखाया था लिन जो है 3rd फ्लोर पे आता है, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे ग्रुप में बैठे होते हैं लोग बाग। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एक आंटी होती है ना वो कह रही होती है ओ यो तुम ही हो लिन है ना, मैं वैन हुई की मम्मी हूँ, देखो ये मेरा बेटा है, मतलब ये सभी को इंट्रोड्यूस करा रही होती है, कह रही होती है इसकी बड़ी मम्मी ये छोटी मम्मी वगैरह वगैरह बोल रही होती हैं। अब हमें दिखाया था लिन कह रहता है हाय आंटी। अब वो ऐसा बोल के मतलब आ रहा होता है, अब मतलब भाई ये दिखने में हैंडसम है। खैर उसकी एक दूसरी वाली आंटी कह रही थी देखो मैंने सुना है तुम एक रियल इस्टेट कंपनी में काम करते हो और तुम क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा घर ढूंढ सकते हो, वैसे तुम ऑर्फेंस में हो ना। अब वो ऐसा पूछ रही होती है। अब वो कह रहा है कि देखो मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं कंपनी से फायर्ड हो गया था, मतलब कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया था। अब वो ऐसा कहता है। अब हमें दिखाया था भाई तीनों चारों जितने भी है वो स्ट्रिक हो जाते, कह रहे थे आखिर तुम फिर क्या कर रहे हो, कहीं तुम अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो है ना। अब वो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं अनएम्प्लॉयड तो नहीं हूँ। खैर वो कह रहा था कि मैं ना बला बला का ड्राइवर हूँ, मैं उसे चलाता हूँ। अब वो कह रहा है कि मैं कुछ कमा तो लेता हूँ। खैर अब वो ऐसा चाय की टपरी लेके कह रहा होता है। खैर उसकी मम्मी कह रही है आखिर कौन तुम्हें अपनी बेटी देगा। अब वो कह रहे थे कि हम इतने भी बेकार नहीं है। अब उसकी लड़की जो है बोली होती मम्मी गुस्सा मत करो, दिखने में हालांकि ये कोई अच्छा काम नहीं कर पाता लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है और वैसे भी ये और फैंक से होना बेकार नहीं है। अब वो ऐसा कह रही होती है। खैर उसकी मम्मी कह रही थी देखो हम लोग ना बैंक में काम कर रहे होते हैं करते हैं। अब वो चिल्ला के कह रही होती है कि देखो मुझे लगता है ना तुम कम से कम हमें 100 स्क्वायर फीट की ज़मीन तो दे ही सकते हो, इतनी बड़ी डील नहीं है तुम्हारे लिए। अब वह उसका लड़का कह रहा था हाँ फुल पेमेंट के साथ। अब हमें दिखाया था वो जो उसकी लड़की जो होती है ना वो कह रही होती है
देखो, अगर तुम मेरे को सच में प्यार करते हो ना, या तुम मुझे सच में पसंद करते हो, तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? है ना, सही कहा ना मैंने? अब मतलब क्या ही एटीट्यूड है भाई। खैर, वो क्या रहता है कि अच्छा अच्छा इतना सा बस, और कुछ रिक्वायरमेंट, और भी कुछ रिक्वायरमेंट है तो बता दो। अब भाई ये और आग में घी डाल रहा है। खैर, वो कह रही थी देखो हम ऑर्डनरी फैमिली से आते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसका प्राइस कम से कम 9 लाख का है, 9 लाख युआन। अब भाई साहब ये सुन के उसके मुँह से चाय निकल जाती है। वो कह रहा था ये क्या तुम्हें ये अमाउंट ज़्यादा नहीं लगता, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट? अब ऐसा शौक में है। कह रहे उसकी आंटी चिल्लाती, उसकी मम्मी चिल्लाती हुई कह रही थी देखो बहुत कम है ये, हमारी जो कलीग थी ना, उनकी जब मैरिज शादी हुई थी तब उन्हें कम से कम 1.5 मिलियन का प्राइज रिसीव हुआ था, मतलब दहेज रिसीव हुआ था। अब वो कह रहा था कि क्या ये सही नहीं होगा कि तुम अपनी बेटी को बेच रही हो? अब वो कह रहा था, उसकी मम्मी कह रही थी आखिर तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अब वो कह रहा होता है कि अरे आंटी गुस्सा मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर तुम और कुछ बताओ, इसके अलावा तुम और कुछ क्या चाहती हो? अब वो ऐसा पूछने लगता है आंटी से। अब आंटी तो नहीं, लेकिन आंटी का लड़का जरूर बोलने लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख की इंपॉर्टेंट कार, और मेरे लिए छोटी मोटी कार भी ले आना। अब हमें दिखाया था लेन जो है, कह रहा था तो तुम्हारे हिसाब से कम जो टोटल अमाउंट होने वाला है ना रिक्वायरमेंट का, वो 10 मिलियन का है। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं 10 मिलियन लेके आ सकता हूँ? अब ऐसा लेन पूछ रहा होता है। खैर इतने हम देखते हैं जो आंटी होती हैं वो कह रही थी कि यंग पीपल बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली पे भरोसा ही नहीं होता। अब लेन कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स तो मर चुके हैं, तो क्या लगता है तुम्हें मेरे को उन पे भरोसा है? अब वो कह रही थी बला बला बला, तोबा तोबा, मेरा ये मतलब नहीं था। अब हमें दिखाया था वो कह रहे होते कि देखो हमने सुना है कि तुम और फेंक से हो और तुम वहाँ से मूव कर चुके, लेकिन हम देखते हैं वो जो लेन होता है वो उसके ऊपर चाय किट वो फेंक के मारता है, मतलब जो पी रहा था वो टेबल पर देखे मारता है उसके ऊपर। और वो कह रहा है कि देखो तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तुमसे डील करना चाहता हूँ, तुम और फ्रेंक को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें कार हाउस ये सब दूंगा? कितनी बड़े बेशर्म लोग हो तुम लोग, ऐसा बोल के वो जाने लगता है। अब हमें दिखाता है वो आंटी जो है कह रही है मेरे बच्चे क्या तू ठीक है, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, मेरे बच्चे क्या तू ठीक है ना? अब वो ऐसा पूछ रही होती है। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे पर चाय डालने की, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। अब हमें दिखाता है उसका लड़का जो है कह रहा होता है कि जैसे ही आएगा ना मैं इसके ऊपर ये गमला देके मारूंगा, साला मर जाएगा। अब भाई ये बंदा गुस्से में होता है। कह रहा हम देखते हैं जो ली है वो नीचे जो होता है और वो अपने कार की तरफ जा रहा होता है। इतने हम देखते हैं जो ये बंदा है ये कह रहा होता है भाड़ में जा भाई, मतलब गुस्से में देके मारता है गमला उसके ऊपर। बट हम देखते हैं जो ली है वो डॉच कर लेता है और कहता है कि कोई क्या मतलब क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम ये? अब हम देखते हैं वो ऊपर देखता है और भाई मतलब देख के हैरान हो जाता है कि ये बंदा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। खैर वो कह रहा है कि तू बच गया, तूने टॉर्च कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं मैं तुझे अभी मारता हूँ। अब हमें दिखाता है लिन कह रहा था कि अच्छा तुझे पता भी मैं हूँ कौन और तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, क्या तू श्योर भी है? अब हमें दिखाता है वो अपनी कार की निकालता है और कार स्टार्ट कर रहा है और कह रहा है कि देखो मैं तो बच गया लेकिन मेरी कार पर इतने सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं, तो अब बताओ तुम कि तुम इसका हर्जाना कैसे भरोगे? अब वो ऐसा बोलने लगता है। खैर हम देखते भाई ये तीनों चारों जितने होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं, कहते क्या ये कार तुम्हारी है? इसका लड़का जल्दी जल्दी नीचे आता है भागता हुआ और कह रहा है क्या ये कार सच में तुम्हारी है? अब हम देखते हैं लिन कह रहा है हाँ ये कार मेरी है, कम से कम 2800 मिलियन युआन की। अब बताओ तुम इसका नए पेंट के लिए 2000 मिलियन युआन लगेंगे, तो बताओ तुम पे में कर रहे हो या फिर ट्रांसफ़र कर रहे हो, बताओ मेरे को। अब वो कह रहा है क्या क्या? अब हमें देखते हैं वो लड़की आ जाती कह रही थी कि ये क्या ये कार सच में तुम्हारी है? वो कहने लगता है नहीं अब ये कार तुम्हारी हो गई, बट तुम मतलब मेरे को पैसे दे देना। अब वो ऐसा बोलने लगता है। खैर वो कह रही थी लीली देखो प्लीज़ गुस्सा मत करो, मेरा ब्रदर ना वो मतलब भावनाओं में थोड़ा बह गया था, मुझे लगता है तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम जॉब करो चाहे ना करो लेकिन मैं अब तुम्हारी हो गई हूँ। अब वो ऐसा कहने लगती है। खैर वो उसे दूर करता है और कह रहा था गेट आउट, बाहर में जा तू और मेरे को 2000 मिलियन युआन दे दियो एक हफ्ते के अंदर, नहीं तो ना मैं तुझे कोर्ट में घसीट दूंगा। अब वो ऐसा बोल के मतलब गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगता है उस होटल से निकल के। अब हमें दिखाया था जो उसकी मम्मी होती है ना वो उसे चाटा देके मारती कह रही थी कैसी बेशरम लड़की है तू, बिल्कुल यूज़लेस है, क्या तू एक बंदे को फंसा नहीं पाई, मतलब एक मैन को फंसा नहीं पाई, सच में तू बहुत बेकार है, मुझे तो उस पर बिलीव नहीं हो रहा कि तू ऐसी कैसे कर सकती है, इतना अमीर इंसान तूने मतलब ऐसी जाने दिया। खैर इसी के साथ ये सीन, इसी के साथ मतलब ये जो है एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ यार आज की वीडियो कैसे लगी, मेरे को तो मज़ा आ गया। खैर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, तो क्या कर रहे हो तुम लोग, लाइक कर दे करो यार, लाइक ही नहीं करते। खैर मिलते हैं।